हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस मेरे पास आ गया है ओप्पो F19 प्रो फोन। तो जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जल्दी मेरे पास ये आने वाला है, तो इसका जो लॉन्चिंग डेट है वो 8 मार्च को है, लेकिन ये अभी मेरे पास आ गया है। तो इसकी मैं सारी स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ, इसका हार्डवेयर में क्या है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर में क्या है, इसके अंदर क्या आपको खास फीचर देखने के लिए मिलता है, और ये फोन आपको कितने प्राइस में मिल सकती है और कहाँ मिलेगी, वो सारी चीज़ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो गाइस इस वीडियो में आप एंड तक बने रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, और इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके रखें। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये फोन जो है, अगर आपको ये फोन चाहिए, एकदम लेटेस्ट फोन है ये अभी का, जो अभी ये लॉन्च भी नहीं हुआ है, अगर ये फोन आपको चाहिए तो आपको ये BNX के शोरूम से मिल सकता है, और साथ ही आपको इसके साथ गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा। तो ये जो शोरूम है BNX, वो मुमरा के कौसा में है, मिलेनियम हॉस्पिटल के पास, मून स्टार स्कूल के नीचे। तो आप वहां से जाके ये फोन को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मैं आपको बताता हूं इसके अंदर क्या है खास फीचर्स, क्या आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस ये है फोन ओप्पो F19 प्रो, आप देख सकते हैं इसको। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसका जो ओवरव्यू है, इसका जो बॉडी है, इसके हिसाब से आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है कहाँ पे। तो जैसे अगर आप साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे साइड में आपको ये पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है देखने के लिए, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन देखने के लिए मिल जाता है, और इस तरफ देखेंगे तो आपको एक सिम ट्रे देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन की देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गैस आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रिपल स्लॉट दिया गया है, यानी कि आप एट ए टाइम 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ में। तो ऑलरेडी यहाँ पे 128 GB का इंटरनल दिया गया है, लेकिन आप उसको एक्सपांड भी कर सकते हैं 256 GB तक। ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और नीचे आपको दिखा दूँ तो नीचे यहाँ पे आपको 3.5 mm का जैक मिल जाएगा, प्राइमरी माइक्रोफोन और टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे स्पीकर ग्रिल। तो ये जो चीज, तो ये तो रही इसके ऊपर की चीज़ क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको रियर में दिखा देता हूँ। तो रियर कैमरे में आपको यहाँ पे क्वाड सेटअप कैमरा आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है, जो कि पहला जो प्राइमरी कैमरा है वो है 48 MP का, उसके बाद है 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, और 2 MP का डेप्थ सेंसिंग के लिए, और 2 MP का माइक्रो के लिए। और यहाँ पे AI सपोर्ट दिया गया है LED फ्लैश के साथ में। तो इसको मैं ऑन करता हूँ फोन को, और आपको दिखाता हूँ। तो इस फोन में आपको 6.43 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। और मैं आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरे के बारे में बता दूँ तो फ्रंट कैमरा आपको पंच होल के साथ 16 MP का कैमरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे ले जाता हूँ सेटिंग में, और सेटिंग में ले जाने के बाद यहाँ पे दिखाता हूँ आपको अबाउट फोन में। तो ये जो फोन है ये एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड है, जो कि कलर OS वर्जन 11 पे चल रहा है। और इसके अंदर आपको ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा, रैम है 8 GB की, और इसके अंदर इंटरनल आपको 128 GB मिल जाएगा। और चिपसेट इसके अंदर यूज़ किया गया है MediaTek Helio का P95, और ये 4G फोन है। मैं आपको बता दूं इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो बैटरी है वो 4310 mAh की बैटरी है, जो कि 30 W पे फास्ट चार्जिंग होगी। तो ये फोन जो है आपको ये 3 कलर में मिल जाएगा, तो पहला रहेगा ब्लैक, दूसरा रहेगा सिल्वर, और तीसरा रहेगा पर्पल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फोन है ये है सिल्वर कलर का। तो यहाँ पे आप बैक पैनल देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत बैक पैनल दिया है ओप्पो ब्रांडिंग के साथ में। और सबसे जो अच्छी चीज़ है इस फोन में मुझे ये लगी है कि ये फोन जो है ये काफ़ी लाइट वेट है। तो यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ कैमरे की तरफ। तो कैमरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैमरा बहुत सारा फीचर्स इसके अंदर दिया गया है कैमरे में। यहाँ पे नाइट्स मोड में दिया गया है, यहाँ पे मैं कुछ आपको सैंपल्स दिखा दे रहा हूँ। तो ये जो नाइट में खींचा हुआ फोटो है, इसका मेन जो हाईलाइट है वो नाइट पे दिया गया, फ्रंट सी और नाइट करके, कि ये नाइट में फोटो बहुत ही अच्छी खींचता है। नाइट में भी आपको अल्ट्रा वाइड भी कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि LED अल्ट्रा वाइड पे है। और मोर में जाएंगे आप तो मोर में यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ फीचर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जो कि पहला है डुअल व्यू वीडियो, यानी कि दो स्क्रीन हो जाएगा स्प्लिट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रंट कैमरा भी चालू हो गया और बैक कैमरा भी चालू हो गया एट ए टाइम। पर्सनली मुझे ये फीचर अच्छा लगता है। यहाँ पे कुछ स्पेशल इफेक्ट आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे आप स्विच करेंगे कैमरा, अभी ये बैक कैमरा चालू हुआ है, जैसे ही फ्रंट कैमरे पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इफेक्ट आएगा ये चीज़। तो फ्रंट और रियर कैमरे का फोटो खींचा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं।
तो गाइस आपने देख ली है इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस, क्या आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है। तो इसके अंदर किसी फीचर आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और एक चीज़ रह गई है इसकी प्राइस के बारे में, तो ये जो है फ़ोन आपको अगर ये चाहिए परचेसिंग करना है तो ये फ़ोन आपको 20 to 22,000 के इन बिटवीन में ये फ़ोन आपको मिल जाएगा। तो आप इसको अगर लेना चाहते हैं तो आप BNX के शोरूम से जाके इसको ले सकते हैं। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही था, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।